ये रिश्ता क्या कहलाता है। मेरे बच्चे, इसी आग की तपिश से बचाने के लिए तेरे माँ बाप तुझ पे लाखों लाख पाबंदियां लगाते हैं। डरते हैं कहीं उनकी लाडली को किसी की बुरी नजर ना लग जाए, समझ रही है ना? कोई आया है क्या? कोई? तेरा भाई आया है, शौर्य दादा। दादू? कमान दादू, मैंने जो लिस्ट दी थी वो सारा सामान ले आया। मजाल मेरी कि राजकुमारी जी ऑर्डर करें और हम उसे पूरा ना करें। जो जो मंगवाया था सब ले आया हूँ। वाओ, चलिए दादू दिखाइए ना। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है, चलिए। ओके। कल ऐसा क्या हुआ था जो किसी ने खाना नहीं खाया? और अंशुमन भी कह रहा था कि अक्षरा भी रो रही थी। कल दादा ने अक्षरा को किसी लड़के के साथ बात करते देखा। और लड़के के साथ? हाँ हाँ, पर अक्षरा बेचारी वो तो उस लड़के को जानती तक नहीं थी। ओ, इसका मतलब वो लड़का जबरदस्ती अक्षरा से बात करने की कोशिश कर रहा होगा। समझा करो यार, वो मेरी बहन है, मैं उससे ये सब बातें कैसे कर सकता हूँ? अच्छा बाबा मत करो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ हम थोड़ा वक्त साथ तो गुजार सकते हैं ना। लेकिन कैसे? अक्षरा को उससे कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ? वर्षा, वर्षा तुम अक्षरा, तुम्हारे भैया मान गए, वो हमारे साथ पिकनिक चल रहे हैं। रियली? पिकनिक? आलोक, मैंने पता लगा लिया है, अक्षरा कॉलेज के कल्चरल ग्रुप के साथ पिकनिक पे जा रही है। आलोक बात मान मरेगा तो बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहा है। बेवकूफी सही यार, पर अब मैं और नहीं रुक सकता, तू चल रहा है मेरे साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है?